दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द कॉपर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैमसंग मशीन के बारे में, जिसका कि मॉडल नंबर है K2200। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितना भी भाइयों लोग हैं, उन सबसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ में रिपोर्ट निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पेज। तो यहाँ में देखेंगे कि प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ में देखेंगे, ये भी ऐसे प्रिंटिंग दिखाएगा, लेट तक प्रिंटिंग दिखाएगा। और इसका जो आउटपुट आएगा, कभी ये देखिए, कभी काला काला आ रहा है ऐसा, कभी निकल रहा है, और कभी तो लिख के आ रहा है एकदम मैटर, एकदम डार्क रहेगा। और उसके बाद देखेंगे यहाँ मैटर पे, तो एकदम बोल्ड मैटर रहेगा। और कभी कभी ऐसे ब्लैंक निकल जा रहा है, कभी कभी काला निकल जा रहा है, कभी कभी कुछ प्रिंट ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा सिम्टम आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ में हम एक बार एलडी यूनिट को क्लीन करके देखेंगे, और उसके बाद जो लेज़र यूनिट का जो फ्लैट केबल है, पॉलीगन मोटर का, और आपका जो जो लेज़र जो एलयूसी बोर्ड है, जो जिसमें मेन कनेक्ट होता है, वो बोर्ड का भी केबल एक बार चेक करेंगे। कहीं कम्युनिकेशन की वजह से, कहीं डस्ट की वजह से प्रॉपर कनेक्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मशीन ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, कस्टमर यूज़ नहीं कर रहा है। एकदम पूरा मशीन में एकदम झाला वाला पूरा सब लग गया है, एकदम क्लियर क्लीन नहीं है मशीन। तो यहाँ में देखिए, हमने अभी टेस्ट कर रहा है अभी, तो यहाँ पे, और अभी क्या कर, इसमें बार बार वही सेम दिखा रहा है। देखिए एरर आ गया, एरर हैज़ U2-111-2 या 111-3, यही एरर कोड बार बार आ रहा है। ये देखिए, ऐसा बोल्ड प्रिंट आएगा, एकदम काला काला आएगा, या फिर कभी कभी क्या होता करके कि आपका ब्लैंक पेज आता है, कभी कभी 111-2 या कभी कभी 111-3 एरर कोड आता है। तो इस वीडियो में हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ में हम फ्लैट केबल को चेक करेंगे, और ये देखिए यहाँ में एक और दो फ्लैट केबल है, एक 4 पिन फ्लैट केबल है, और यहाँ में एक 8 पिन फ्लैट केबल है। तो यहाँ में ये देखिए, बैक साइड से इधर में है आपका फ्लैट केबल। देखिए यहाँ में भी प्रॉपर कनेक्शन ना होने की वजह से ऐसा इशू आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी ये सब चेक कर लिया है। देखिए अंदर में सब डस्ट वगैरह सब है, डस्ट वगैरह को भी क्लीन करेंगे, और उसके बाद लेज़र वगैरह को भी एक बार क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास पुराना लेज़र यूनिट है, तो क्या करेगा, हम लेज़र यूनिट को एक बार क्रॉस चेक करेगा कि लेज़र यूनिट का प्रॉब्लम है कि केबल का प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, तीनों में से कुछ एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम ये फ्लैट केबल को एकदम सेफली, एकदम सावधानी के साथ निकालेंगे, और निकालने के बाद एकदम अच्छे से क्लीन करके और रिटर्न एकदम प्रॉपर सेट करके लगाएंगे। और अब सामने का जो ये जो लेज़र यूनिट है, इसका भी केबल थोड़ा अच्छे से लगाइए, और यहाँ पे, और दोबारा एक बार ऑन करिए। तो हमने यहाँ पे दोबारा भी ऑन कर दिया है, क्लीन करके सब। उसके बाद अगर रेडी नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लेज़र यूनिट को रिप्लेस करके एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने, ये देखिए मेरा डोर कार्ट्रिज नॉट सेट करके दिखा रहा है,
वार्मिंग अप प्लीज वेट करके दिखा रहा है स्टेटस, ग्रीन लाइट जल रहा है अभी, थोड़ा वेट कर लीजिए अभी जस्ट सेकंड। ये देखिए कॉपी स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट होने के बाद अभी ये कॉपिंग लेना स्टार्ट हो गया। अभी देखते हैं कि आउटपुट आता है या जेरोक्स आता है या फिर एरर आता है, तो अभी ये मेरे को कुछ देर में पता चल जाएगा। सैमसंग मशीन काफ़ी स्लो प्रिंटिंग है, एकदम धीरे धीरे प्रिंट आता है, स्कैनिंग वगैरह एक बार स्कैन करता है, एक बार प्रिंट आता है करके। ये देखिए कॉपिंग में एरर आ गया, एरर हैज़ यू टू माइनस 111112, और यहाँ में कॉपिंग में दिखा रहा है, कॉपिंग में अभी भी हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसका लेजर यूनिट को रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए एक बार हम अंदर मशीन के अंदर का सब क्लीन करके लेजर यूनिट को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लेजर यूनिट को रिप्लेस कर दिया है और ये मशीन को थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है। तो फिर से हमने यहाँ में डोर को एक बार बंद करेंगे, और यहाँ में ये देखिए, और साथ ही साथ टोनर को भी हमने रिप्लेस कर दिया है क्योंकि मशीन काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, और मशीन में सब पूरा एकदम पीसीडी यूनिट और जो ड्रम कार्ट्रिज बोलते हैं, ड्रम कार्ट्रिज और टोनर कार्ट्रिज एकदम ख़राब हो जाने की वजह से एकदम काला काला प्रिंट आता था। तो अभी हमने ड्रम कार्ट्रिज को भी क्लीन कर दिया है और टोनर कार्ट्रिज को भी रिप्लेस कर दिया है, और साथ में लेजर यूनिट को भी हमने रिप्लेस कर दिया है जो कि LUC का एरर कोड बार बार आ रहा था। तो चलिए हम अभी एक बार जेरोक्स निकाल के चेक करेंगे या फिर कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट निकाल के चेक करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएगा। और यहाँ पे देखिए वार्मिंग अप स्टेटस ओके। अभी देखिए हम एक बार यहाँ में कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट को प्रिंट करेगा, मेंटेनेंस रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट ओके। अभी देखिए कैसा प्रिंट आ रहा है, ये देखिए एकदम बढ़िया प्रिंट आ रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन प्रिंट आ रहा है, जो कि पहले एकदम डार्क आता था, कभी एकदम ब्लैक आता था, कभी एकदम से वाइट आता था, कभी तो आता ही नहीं था, एरर आ जाता था। तो अभी देखिए एकदम परफेक्ट प्रिंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और जितना भी भाइयों हैं उन सबको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।